बाटला हाउस में छोटा सा रोल है, पर उन लोगों ने ट्रेलर में भी डाला। इसके अलावा अभी अनुराग कश्यप की एक फिल्म कर रहा हूँ। भोजपुरी फिल्म अर्धांगिनी के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर हम इस वक्त मौजूद हुए हैं। हमारे साथ हैं भोजपुरी के महाशाह कॉमेडियन मिस्टर मनोज टाइगर साहब। कैसे हैं आप? धर्म भाई बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलता हूँ तो बड़ी ऊर्जा मिलती है हमको और हमें भी बहुत मज़ा आता है जब भी आपसे मिलते हैं। तो शुरुआत अर्धांगिनी फिल्म को लेकर के करते हैं, ट्रेलर लॉन्च का मौका है, एक बहुत ही बड़ा किरदार आपका भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बड़ी उम्मीद है सर इस सिनेमा से और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। जहाँ कहीं भी जाते थे तो पत्रकार लोग पूछते थे कि अश्लीलता कब खत्म होगी, तो एक नया लड़का, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, इन लोगों ने फिल्म बनाई है, बड़ी साफ सुथरी फिल्म, जैसा कि अर्धांगिनी आप नाम सुन रहे हैं, और सिनेमा परिवार के साथ देखने लायक है। इस भोजपुरी के बुरे दौर में मुझे लगता है संजीवनी साबित होगी। बिल्कुल, लेकिन आजकल जो खबरें हमारे पास आ रही है कि बड़े बड़े स्टारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही, फिर खेसारी की, निरहुआ की, और मैं पवन सिंह की बात कर रहा हूँ, ऐसे में इस तरह से छोटे एक्टर आते हैं और एक बड़ी फिल्म लेकर आते हैं, क्या लगता है आपको कितना कुछ फ़ायदा है या नुकसान है? देखिए सर, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। उन लोगों का भी सिनेमा ठीक है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं। पवन जी ने बहुत बड़ी हिट फिल्में दी, निरहुआ, खेसारी, सारे लोगों ने, चिंटू, सब लोगों ने हिट फिल्म तो दिया ही है। ठीक है, थोड़ा सिनेमा हॉल का और तमाम चीज़ों का दौर थोड़ा ख़राब चल रहा है, पर हिंदी फिल्मों में भी देखिए आप, बड़ी फिल्म कभी कभी चल जाती, हमेशा चलती है, कभी कभी बड़ी फिल्म नहीं चलती, छोटी फिल्म चल जाती है। तो बड़ी फिल्मों का तो अपना ऊपर नीचे लगा रहता है, लेकिन ये फिल्म का स्टार कास्ट, हीरो छोटा है, मतलब नया है, बाकी सारी तो एकदम ये ए ग्रेड की फिल्म है, तो ये सिनेमा से उम्मीद तो है। बिल्कुल, आप बताइए, आपको लेकर के लगातार खबरें बनी रहती है, आप थिएटर कर रहे हैं, और आप जो थिएटर कर रहे हैं प्लीज़ उसका नाम बताइए, और मुंबई में कब यहाँ के लोगों को देखने का मौका मिलेगा ये ज़रूर बताइए। सर यहाँ मैं कंटिन्यू प्ले कर रहा हूँ, अभी 31st को मैं शाकुंतलम थिएटर में करूँगा, आदर्श नगर में, राम सजीवन की प्रेम कथा जिसमें सुशील सिंह, संजय पांडे भी हैं। इसके अलावा मांस का रुदन, अमर प्रेम, बुरे फंसे, घुंघरू और कुंवर अस्तभान, ये बहुत सारे प्ले मैं कर रहा हूँ जिसकी पूरी रिहर्सल चालू है, और इसके जब जब शोज होंगे हम आप दर्शकों को भी बताएंगे आपके माध्यम से, और आपको भी इनवाइट करेंगे सर। चलिए बॉलीवुड फिल्मों की बात कर लेते हैं, अभी अभी ही आपका एक ट्रेलर आया है बहुत ही ज़्यादा, उसमें उमदा आपने देखे, और भी क्या कुछ बॉलीवुड में आप साथ में काम कर रहे हैं? जी अभी बाटला हाउस में छोटा सा रोल है, पर उन लोगों ने ट्रेलर में भी डाला। इसके अलावा अभी अनुराग कश्यप की एक फिल्म कर रहा हूँ, उन लोगों ने अभी थोड़ा सा नाम वाम मना किया है बोलने के लिए, तो फिर भी है कि एक शूटिंग चालू है, अनुराग जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ हिंदी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, आप देखते रहें हिंदी रश।